नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल की पावन धरती कुशेश्वर स्थान पूर्वी के महसत नरकटिया ग्राम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते 18 अप्रैल से यहां पर महायज्ञ की शुरुआत हुई है और आज तीसरा दिन है, यानी 20 अप्रैल है। और इतने बड़े यज्ञ में उपचार की व्यवस्था होना अति आवश्यक है और इसी सिलसिले में हम ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां पर सेवा भाव के नजर से मुफ्त में लोगों का उपचार किया जाता है, तत्काल सेवा में। साथ ही यहां पर शीतल जल भी पिलाए जाते हैं और ये एक संस्था है तू ही निरंकार, और इस संस्था से जुड़े यहां के लोग हैं, इनसे हम बातें करेंगे और ये निस्वार्थ भाव से घंटों खड़े होकर के लोगों को शीतल जल यानी पानी पिलाने का कार्य करते हैं। सर, आप आगे हट जाइए, वहां पे कैमरा चल रहा है, उनसे हम बातें करेंगे और उनके निस्वार्थ भाव आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार सर, आपका? सर, मेरा नाम शीतल नायक, मेरा घर पूरा मैशद पंचायत के अंतर्गत पड़ता हूँ। मैं संत निरंकारी मिशन से जुड़ा हूँ और हमारे गुरुदेव का ऐसा ऐलान है और ऐसा आज्ञा है कि मानव धर्म ही सब धर्मों से ऊंचा है, इसीलिए हम संत निरंकारी मिशन के सारे सदस्य जो हमारे कुशेश्वर ब्रांच है उस ब्रांच से सारे सदस्य आकर के और सेवा का कार्य, मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। वैसे भी कहीं भी अगर इस मिशन को सूचना जाता है सेवा करने के लिए सबसे आगे रहता है। और हमारे ब्रांच के मुखी श्रीकांत जी हैं और संचालक श्याम सुंदर जी और अकाउंटेंट है रंजन शर्मा जी। और हम ये जानना चाहेंगे कि हर एक क्षेत्र में यही निरंकार संस्था का ब्रांच है, ब्रांच है कुशेश्वर स्थान ब्रांच है। ये ब्रांच कहाँ पर है? मुख्य ब्रांच दिल्ली है जी, नई दिल्ली है। पूरा ऑपरेट किया जाता है, किया जाता है। टोटल कितने संस्था ब्रांच होंगे लगभग अपने भारत में? जी जी, अपने भारत में कम से कम 3,035 ब्रांच होंगे, 35 और बिहार में कम से कम 326 है, 326 मान सकते हैं, 300 प्लस लगभग 326। आप इस संस्था से कब जुड़े और किनके माध्यम से या फिर किनके जुड़े? 25 वर्ष पहले से जुड़ा हूँ। जी जी, और तो कोई तो होंगे जो आपको मतलब इस दिशा में लाने के लिए आपको पहल की होगी उन्होंने? जी सर, ऐसे मेरे बगल जिला के जूना प्रसाद जी है, वो हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के माध्यम से आए और आने के बाद हमारे गांव के श्याम सुंदर जी हैं जो उनके नजदीक गए उनका दीक्षा लेने के लिए, और उनके ही माध्यम से हमारे गांव में शिविर है उनका दीक्षा का, मैंने दीक्षा लिया उनसे। कहने का मतलब यह है कि इस संस्था से जुड़ने के लिए जिस तरह से बाबा के साथ जुड़ने के लिए दीक्षा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संस्था में जुड़ने के लिए आप लोगों ने दीक्षा लिया था। और क्या इसमें आपको दीक्षा लेने के बाद कुछ पे करने होते हैं, यानी पैसे देने होते हैं? कभी निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें। और हजूर, मैं ही नहीं, सारे साथ संगत और भारत वर्ष में पूरे विश्व में इस मिशन का प्रचार प्रसार है और हम लोग भी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने ब्रांच के सारे महात्मा की ओर से सारे खर्च लगा करके मैंने सारे व्यवस्था किया है, इसमें कहीं से कोई मेला मालिक का व्यवस्था नहीं। समिति की तरफ से क्या आपको कोई सहायता? नहीं, कोई सहायता नहीं। अच्छा, आप लोग अभी वर्तमान कितने लोग हैं जो समय समय पर दल बदलते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं? कम से कम 70-80 आदमी है और एक मेरा प्याव चलता है उधर पंडाल की ओर, एक प्याव चलता है और एक प्याव, 3 काउंटर है यहाँ, काउंटर है और डिस्पेंसरी भी है मेरे पास जिसमें 5-6 प्रैक्टिशनर है सिर्फ निरंकारी मिशन में, वो भी काम करते हैं। अगर कोई आपके स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहते होंगे, किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं? कोई नहीं, मेरे गुरु का हर जगह ब्रांच है, मेरे इस संत निरंकारी का हर जगह ब्रांच है, उस ब्रांच का मुखी होता है, प्रमुख होता है, उनसे जाकर के मैं कहता हूँ कि हमें दीक्षा लेना। तो मेरे जोन का है, बौनी जोन में पढ़ते हैं हम लोग और बौनी जोन के अंतर्गत मेरे जोन का जोनल इंचार्ज एसपी सिंह जी महाराज है जो उनके माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। मैंने मुखी से कहा हमको ज्ञान लेना, वह समय देते हैं कि उनके अभी ज्ञान देने का अधिकारी वही जोनल इंचार्ज है, मेरे बरौनी जोन का है और इधर सहरसा में जय किशोर बाबू। सर, ये हम जानना चाहेंगे, वर्तमान में तो हमने देखा कि आप शीतल जल से लोगों के हृदय को ठंडा करते हैं और यहाँ पे प्यास दोपहर में बहुत ज्यादा लगती है, जब बाबा जा रहे होते हैं आ रहे होते लोग हाँफते हुए यहीं पे पहुँचते हैं, इसके अलावा क्या क्या सेवा लोगों के समक्ष आपका पहुँचते हैं? लोगों के समक्ष तो ये जो गया हुआ है तो है ही, ऐसे पंडाल का भी सेवा था जी। लेकिन कोई इधर से हमको ऐसा भी नहीं और मेरे भी तरफ से उतना आदमी नहीं हो सका, मैंने उतना ही किया जितना हमसे सक्षम हो जाए।
उसे कभी कभी 10-20 महात्मा पंडाल में भी जाते हैं, वो भी सेवा करते हैं और लंगर में भी सेवा करते हैं। थोड़ा बहुत है महात्मा, लेकिन यहाँ जो भीड़ लगता है सबसे ज्यादा महात्मा इसी में, इसी प्याव में रहता है और आगे पंडाल के नदी भी प्याव लगा मेरे संत निरंकारी मिशन का, वहाँ भी भीड़ लगा रहता है। तो सर आप भी इसी संस्था से जुड़े हुए? जी जी जी। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, हम इसी ग्राम के हैं, महेश्वर ग्राम का, पूरे महेश्वर पंचायत के, और हमारे अड़ोस पड़ोस जितना भी है सब आदमी जो अपना सेवा भावना से हम लोग संत निरंकारी से जुड़े हुए हैं, एक सेवा दल है हम लोग, और हम लोग निस्वार्थ भक्ति सेवा, ये पियाव लगा हुआ है, डिस्पेंसरी है, उसके बाद उधर लंगर भी है, सब जगह हम लोग जो है अपने सेवा के भावना से सेवा करते हैं। हम ये बताना चाहेंगे जिस तरह से निस्वार्थ भाव से आप लोग सेवा के भाव से यहाँ पे कार्य करें, जो दूर दराज के लोग हैं, शहरी लोग हैं, उन्हें इतना आत्मविभोर कर देता है, वे जानने की इच्छुक हो जाते हैं और उसी चीज को हम उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आपका ये चीज अभी वर्तमान लोग देख रहे हैं, गौर नहीं कर रहा, हमने गौर किया आपको, मैंने तो हमें देखा यहाँ एक 10 मिनट लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ 12-12 घंटा लोग खड़े रहते हैं, किचन में खड़े रहते हैं, जूठा गिलास तुरंत धो देते हैं, बिना सोचे समझे कौन पिया नहीं पिया, जाति का कोई लेना देना ही नहीं है, यह सिर्फ सेवा भाव है, सेवा। यही हमें बहुत अच्छा लगा और हमने सोचा कि आपकी बातें यही देखिए, एकता में अनेकता, अनेकता तो हम लोग का जो सतगुरु है वो यही एकता का भावना सिखाया है, अपने परिवार में, अपने समाज में, ये पूरा विश्व में हम लोग एकता का ही भावना रखते हैं, हम लोग में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सब समान है। आपका मूल मंत्र क्या है? एक होता है सबका अपना अपना मूल मंत्र, तो क्या मूल मंत्र है? हम लोग का मूल मंत्र, हम लोग का 5 परण दिया हुआ है, सेवा सुमरण सत्संग, सेवा भाव ही मूल मंत्र, बस बस सेवा सुमरण सत्संग करते रहिए, और मानवता में यही मानवता का पहचान होता है, अपने आप को जानना। आप कब जुड़े थे? हम जुड़े हैं सर 2002 में। अभी इनके जैसे बहुत पुराने? हाँ, इनका से पुराने हम नहीं है, लेकिन फिर भी 2002-2023 है। जी जी, तब से ये संस्था चल रहा है और हम लोग चला रहे हैं, आज से नहीं, ये सन 1929 से ये संस्था चल रहा है संत निरंकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी संस्था, अपना परिचय दे दीजिए। तेज नयन महेश्वर ग्राम, महेश्वर स्थान ब्रांच, सभी संतों महापुरुषों का एक ही भावना है सेवा का, सेवा करें, सभी महापुरुषों से विनती करके सभी सांसारिक लोग को अपने सेवा को हम लोग वहाँ रखते हैं और स्वीकार यही करते हैं, जो अपने चरणों में रख करके दासों की समय व्यतीत हो जाए, किसी तरह से दास से गलती ना हो, क्षमा कर दे गलती होने से, दास यही चाहता है, यही शिष्य से समय निकलते रहता है, जब ड्यूटी पड़ता है जहाँ भी दास सेवा दल के ही महापुरुष है, सेवा दल में ही लगे रहते हैं, जो आदेश होता है वो आदेश को बच्चन को पालन करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि आप गर्ण मेरा नाम गणेश मुखिया है, सरिया पंचायत ग्राम बनर जिला से जी। मैं निरंकारी मिशन का सेवादार हूँ और माता सुरक्षा की चरणों में ज्ञान लिए हैं सर, मलखा में जाकर करीब मेरा 8-10 साल हो गया है जी। अच्छा, आपको कब, आपको किन्हीं ने अप्रोच किया कि इस संस्था से जुड़िए, या फिर कहीं पे आपने देखा, किन्हीं से आप प्रेरित होकर के आए, क्या कुछ था उसके बारे में बताइए? उसके बारे में जैसे मेरा महात्मा जी है श्याम सुंदर जी है, मुखी साहब संचालक श्याम सुंदर जी है, मुखी साहब श्रीकांत जी है, उसी से, उसी द्वारा से हम लोग का ज्ञान संस्था में चला। आप जैसे लोगों का दिल से आदर करते हैं, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से हम लोग तो हमें आप निर्भर हो गया, कोई पैसा लेकर के भी आधा अधूरा कार्य करता है, और यहाँ पर एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से इंसानियत के नाते इंसानों का सेवा कर रहा है। हाँ, हम लोग का ऐसे संस्था है सतगुरु माता जी के कृपा से, कि निस्वार्थ से अपना प्यार मोहब्बत से, सभी से प्यार मोहब्बत संस्कार से सेवा सुमरण सत्संग सभी को करना, सभी के आदर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर और भी चीजें हैं, इनके बारे में भी हम लोगों के सामने, बाबू आप आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ी सी टंकी है, और यहाँ का पानी कहाँ सप्लाई किया जाता है आप लोग? पानी हम लोग मोटर लगाए हुए हैं और बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, बाहर से भी पानी मंगाया जाता है और यहाँ मोटर भी लगाए हुए हैं, मोटर से भी आता है। जब आदमी को ज्यादा जोर होता है पानी का, तो हम बाहर से पानी टैंकर मंगाते हैं और टैंकर मंगा के हम इसमें भरते हैं। 3-4 ड्राम हम लोग का है, यहाँ भी है
और उधर में भी पियाव लगा हुआ है, 3-4 जगह पियाव हम लोग को चलता है। दोस्तों ये एक सार्वजनिक कार्य है और यहाँ पर लाखों की भीड़ जुटी हुई है, ऐसे में क्या होता है कई बार अचानक से ऐसी चीजें परिस्थितियां आ जाती हैं वहाँ पर तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है और ये वही जगह है जहाँ पर फ्री में, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जी बैनर लगा दिया है और उनके जो कर्मचारी हैं शायद अभी नहीं है लेकिन दिन में रहते हैं, दिन में भी रहते हैं जी अभी भी, और मेरे भी मेरे मिशन का जो महात्मा जी है वो भी 4-5 महात्मा सब प्रैक्टिशनर है, सरकारी मिशन का जितना भी नंबर है वो सारे यहाँ उपस्थित रहते हैं। ऐसे है कि यहाँ जो महात्मा है निरंकारी उस समय से कम से कम 5-7 महात्मा देहाती प्रैक्टिशनर है वो सब यहाँ योगदान देते हैं, प्रैक्टिशनर सब रहते हैं और इसमें सरकारी हॉस्पिटल से भी 4 घंटा ड्यूटी देते हैं, 4 घंटा देते हैं, इसके बाद हम लोग सेवा। बस तो ये सर की सरकार की तरफ से ही सरकारी प्राथमिक हॉस्पिटल 4 घंटा रहते हैं, इसके बाद हम लोग अपना तरफ से, और मान चलिए सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया, इसके तत्काल टेबलेट मिल जाते होंगे, सब कुछ टेबलेट मिलता है, टेबलेट अभी अंदर बस एड जो होता है जो तत्काल मरम पट्टी के लिए वो भी मिल जाता है लोगों को, बहुत अच्छी बात है। और नहीं कोई बात नहीं, आपने बता दिया यही बहुत बड़ी बात है। अब चलिए सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े लोगों से मिलते हैं, आगे आइए इधर आइए। तो ये यज्ञ स्थल काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और लाखों की भीड़ है जिसके मद्देनजर यहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसका पता हमें एक समय के बाद पता चले और उसका शायद हम उपाय न कर पाए, तत्काल के लिए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि कमिक सी भी कोई ऐसी चीज हो, लोगों में घबराहट पैदा हो, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाया गया है, इनसे हम बातें करेंगे और इसका मॉनिटरिंग जो है यहीं से सारे कैमरों का किया जाता है। नमस्कार, आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। माय नेम इज वसीम अहमद जी, और हमारा घर हुआ बर्रा गांव जी, वहां से और काफी जान पहचान है हमारी यहाँ, यहाँ से फोन आया था बर्रा गांव, हमको बुलाया गया था यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। टोटल कितने सीसीटीवी कैमरे आपने लगाए? टोटल हमने 16 कैमरे लगाए हैं। अच्छा, मेन मेन पॉइंट पे लगाए गए जी हमने, और यही से सारा मॉनिटरिंग करते हैं, देखभाल यही से ही है, यही से ही देखते हैं, हमारा ऑफिस है। कैमरे की क्वालिटी किस प्रकार की है जो जूबिंग पावर होता है, क्योंकि नाइट में लोगों की भीड़ ज्यादा है तो यहाँ पे नाइट विजन कैमरा हमने लगाया है, जैसे दोपहर में देखेंगे वैसे नाइट में भी हम वैसे देखते हैं और बारीकी से परखते होंगे, कहे की भीड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, क्या हम उसे पहचान पाते हैं? ऐसे लोग आपने रखे? जी बिल्कुल बिल्कुल पहचान पाते हैं, ठीक है, नजर वाले जी। तो हमने ऐसा कैमरे लगाया है जो बिल्कुल क्लियर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, आप अच्छे 24 घंटे देते हैं। और आपके अलावा अन्य लोग भी होंगे जो डिलीवरी करते हैं? जी जी जी, हम टेक्नीशियन 3 आदमी हैं हम लोग, एक पूरी रात जागता है, एक सोता है, ऐसे ही हमारा। और यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और इनकी व्यवहार बहुत ही अच्छी है। और आप यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में ही आए हैं तो क्या आपको समय पर खाना पानी और जी बिल्कुल सब कुछ मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम इसलिए पूछ गए, लोग निगेटिव सोचते हैं जो शहर में है ना जी, वो सोचते हैं कि क्या इलाका है, कैसे हो रहा है, इलाका बहुत ही अच्छा इलाका है, कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इस भ्रांति से दूर हो और उन्हें पता चले ये है लोग बेवकूफ नहीं, हम बेवकूफ नहीं है। यहाँ पे जो जग हो रहा है सर, यहाँ पे जो जग हो रहा है, काफी लोग बाहर से आए हुए हैं जी, मुंगेर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे बाबा से दर्शन करने के लिए, नेपाल से आए हैं, तो नेपाल से भी आए हुए हैं, बंगाल सबसे मिले हैं, इंटरव्यू लिए हैं उनका, नहीं जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं मुंगेर से भी आए हुए हैं और काफी अच्छा लगा उनसे पूछा है कि यहाँ पे हाँ खाना पीना भी सुविधा है, सब कुछ रहने का भी सुविधा है, ये सब बहुत अच्छा लगा उन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दोस्तों अब अपने वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है और अगर हमसे इस दरमियान कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि लोगों की जो मेहनत है उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ भाव आप तक पहुंचे। जी जी, हम उसके बारे में बता दिया, आप तक पहुंचे और आप उस चीज को समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्पेशल धार्मिक ब्लॉग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।